सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर पी बी इंगड़े एंड टुडे वी हैव टू कंडक्ट द टॉपिक नेम इज कोनिकल पेंडुलम्स. सो राइट डाउन दिस टॉपिक, कोनिकल पेंडुलम. So this is our today's title, conical pendulums, right? तो conical pendulum को define करने से पहले first of all we define the definition of a pendulums, okay? So first we define for pendulum. Right? So what is in pendulum wise, one a tiny mass, okay, means we have a very tiny mass, right, one very small tiny mass. Let's consider this. This is a tiny mass, okay. This tiny mass, right, okay. This tiny mass is nothing, it is called as a bob, okay. okay. अब ये जो छोटा मास है उसको कहते हैं अपन बॉब, राइट. दिस बॉब, ये जो बॉब है, द बॉब माई मास इज कनेक्टेड टू अ लॉन्ग स्ट्रिंज ओके, लॉन्ग स्ट्रिंज विच इज फ्लेक्सिबल, देन मासलेस which is flexible, massless, and inextensible, okay. What is the quality of the string? Quality of a string is flexible, massless, and inextensible, okay, and suspended to a rigid support, is called as pendulum. Right? दिस इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन. क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, एक टाइनी मास है अपने पास. सपोज दिस इज द टाइनी मास. अब ये जो टाइनी मास है ये किसको कनेक्ट है, एक स्ट्रिंज को, जो कैसा है, फ्लेक्सिबल है, मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है. मतलब उसका मास वी अज्यूम वेरी 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 लेस, ओके, इनएक्सटेंसिबल है. और सस्पेंडेड किसको, एक रिजिड सपोर्ट को, उसी को कहते हैं अपन सिंपल मिस पेंडुलम, ओके. दिस आर सिंपल्स कनेक्टेड विथ अ रिजिड सपोर्ट. ये मेरा रिजिड सपोर्ट है और ये मेरा टाइनी मास है और ये स्ट्रिंज है, स्ट्रिंज, एंड दिस इज द रिजिड सपोर्ट्स, राइट. तो हो गया मेरा डेफिनेशन किसका, पेंडुलम का, राइट. दिस इज द सपोज अज्यूम द टाइनी मास, this is the string and it is connected with a rigid supports. अब यही जो pendulum है, यही जो bob है, ये अगर ऐसा oscillate करेगा, yes or no? Yes, okay. If the string is oscillates about
अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, इफ द स्ट्रिंग इज ऑसिलेट अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। ओके, अब यही जो स्ट्रिंग है वर्टिकल एक्सिस के साथ में ऑसिलेट्स हो रहा है, यस और नो? यस, इट इज कॉल्ड एज अ सिंपल पेंडुलम। वर्टिकल एक्सिस इट इज कॉल्ड एज सिंपल पेंडुलम, यस और नो? यस, मतलब इन दिस वे दिस इज द पेंडुलम एंड दिस इज द ऑसिलेट्स, दिस इज द ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम, दिस इज कॉल्ड एज अ व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम डेफिनेशंस। ओके, एंड दिस विल बी लर्न इन अवर चैप्टर नंबर ऑसिलेशन विद डिटेल्स इन अवर नेक्स्ट यूनिट्स। तो अभी अपने को बच्चों समझ में आ गया पेंडुलम किसको कहते हैं और सिंपल पेंडुलम किसको कहते हैं। तो ये दोनों को मिलाकर वी डिफाइन नाउ अ कोनिकल पेंडुलम। सो व्हाट इज दिस डेफिनेशन? कोनिकल पेंडुलम, सो व्हाट इज हियर कोनिकल पेंडुलम? कोनिकल पेंडुलम इज डिफाइंड एज इन अ गिवन मोशन इन विच बॉब डिस्क्राइब अ हॉरिजॉन्टल, बॉब डिस्क्राइब अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड हॉरिजॉन्टल सर्कल इन द फॉर्म ऑफ यूसीएम। ओके, इन द फॉर्म ऑफ यूसीएम एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब अ कोन विथ अ वर्टिकल एक्सिस, विथ अ वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम। यस और नो? यस। So this is the simple definition of a conical pendulum. What is here, boys? You observe, conical pendulum is defined as in a given motion. मतलब मैंने pendulum को अभी कौन सा भी motion दे दिया है, okay? In a given motion. So this is the string or this is a bob. So in a given motion. अ बॉब डिस्क्राइब अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, इसको अगर मैं ऐसा घुमाता हूँ तो ये जो टाइनी मास है जिसको अपन बॉब कह रहे हैं ये क्या बना रहा है? एक हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल इन द फॉर्म ऑफ यूसीएम एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब अ कोन, लेकिन स्ट्रिंग ने क्या बना लिया? कोन बना लिया। ये देखिए, ये है स्ट्रेट कंडीशन, व्हेन द बॉब रिवॉल्व्स इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। सो इफ यू ऑब्जर्व देयर दिस स्ट्रिंग मेक अ कोन, द स्ट्रिंग मेक अ कोन विथ अ वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड एज अ कोनिकल पेंडुलम्स। ओके, सो दीज आर द वेरियस डेफिनेशन फॉर पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम एंड कोनिकल पेंडुलम। नाउ वी हैव टू प्रूव द डेरिवेशन ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, सो लेट्स सी हाउ टू प्रूव द डेरिवेशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम। सो दिस रिजिड सपोर्ट्स कनेक्टेड विथ अ स्ट्रिंग, यस और नो? यस।
दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, सपोज इट इज कॉल्ड एज अ ए, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको रिजिड सपोर्ट को, दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, ओके. नाउ वी नो दैट, अब जब ये पेंडुलम ऐसा घूमेगा, व्हेन दिस पेंडुलम इज रिवॉल्व, देर इज अ सर्कुलर मोशंस, यस और नो? यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो सी हियर, देर इज सच टाइप ऑफ द सर्कल इज ऑकर्स, यस और नो? यस, ओके. तो दिस इज सेंटर सी, दिस इज द बॉब बी, एंड द रेडियस इज वॉट इज आर ऑफ दिस सर्कल्स, ओके. सो लेट राइट डाउन हियर, यल, हियर इज राइट डाउन, यल इज अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यस आर नो? यस. सो हियर बॉयज, यल इज अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग वी कंसिडर, राइट. दिस बॉब बी रिवॉल्व इन अ हॉरिजेंटल सर्कल, राइट. सो आफ्टर रिवॉल्विंग द हॉरिजेंटल सर्कल, तो सपोज दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, राइट. तो ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी बन गई, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉब, यस और नो? यस, ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी बन गई, किसकी? बॉब की. नाउ हियर आफ्टर रिवॉल्विंग, दिस इज अवर स्ट्रिंग, सो इनसाइड द स्ट्रिंग द टेंशन इज क्रिएटेड, राइट. And this tension in upward direction, this is nothing but the T0, okay. So T0 is a tension in a string, yes or no? Yes, T0 is a tension. Then boys, here this R is nothing but what is the radius, R is a radius, radius of a horizontal circle, yes or no? Yes. Then here one angle is made, this theta, right, vertical angle theta, theta is a vertical angle of a cone, vertical angle of cone, yes or no? Yes. These parameters, so length, angular velocity, tensions, radius, vertical angle, cone, okay, this is the length if you consider here. L is a length, okay boys. And this figure we consider for the inertial frame of reference, which conditions? Inertial frame of reference we consider for this situation, inertial frame. So this tension, अब ये जो बॉब है बच्चों, या ऐसा मैं घुमा रहा इसको, राइट, ये ऐसा घूम रहा. अब ये स्ट्रिंग किसको कनेक्ट है? रिजिड सपोर्ट को. जब ये बॉब घूम रहा तो बॉब पे क्या एक्ट हो जाएगा? ग्रेविटी. तो ग्रेविटी की वजह से उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो गया एम जी, विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हियर, दिस एम जी, हियर वी राइट डाउन एम इज अ मास ऑफ बॉब, यस और नो? यस. दिस टेंशन इज आल्सो रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, टेंशन टी जीरो इज रिजॉल्व इन टू
two components, right? So which are these components? One is resolve this in upward direction, okay, and one in what is horizontal directions. So upward is what is this angle theta, ये angle theta है, तो ये upward वाला क्या बन जाएगा बच्चों बताइए मुझे, upward वाला बन जाएगा t0 cos theta और horizontal वाला क्या बन जाएगा t0 sin theta. समझ में आया आप लोगों को, ये theta angle तो ये भी क्या बन गया theta. ये अगर इसके ऊपर मैं join करूँगा तो यहाँ पे definition बन जाएगी cos की, cos की क्या definition है adjacent side upon hypotenuse. तो फिर upward component बन गया t0 cos theta और horizontal बन गया t0 sin theta. Okay, so here if you consider the upward force, so if you consider the upward force, what type of the force here, mg in downward directions, and upward is what is t0 cos theta. These two forces are balanced. Which one? Mg, which is act on a bob in downward direction, and t0 cos theta, which is act in upward direction. Suppose it is called as equation number 1. Now similarly another force, horizontal force. तो कौन से फोर्स है हॉरिजॉन्टल बच्चों बताइए, t0 sin theta. अब ये जो t0 sin theta जो फोर्स है ये किधर लग रहा है स्टूडेंट्स, टुवर्ड द सेंटर. अब टुवर्ड द सेंटर लगने वाला जो फोर्स रहता है वो कौन सा रहता है, सेंट्रिपिटल फोर्स इन अ सर्कुलर मोशन. एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड्स, इट इज एम आर ओमेगा स्क्वेयर्स. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट. सो व्हाट इज वी डू हियर डिवाइडिंग द इक्वेशन 2/1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, इसको मैंने डिवाइड किया, क्या बचेगा, एम आर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन एम जी इज इक्वल टू व्हाट इज t0 sin theta अपॉन t0 cos theta. तो क्या कैंसिल हुआ बच्चों, यहाँ पे m कैंसल m, ये t0 ये कैंसल, तो क्या बचा फाइनली वी गेट हियर व्हाट इज ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट इज sin theta अपॉन cos theta मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज इनटू जी अपॉन आर, वी गेटिंग दिस इक्वेशंस, राइट. इन दैट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3, बट हियर बॉयज अब ये ट्रायंगल देखो ए बी और सी, ओके, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा की डेफिनेशन क्या आएंगी बताइए, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो फिर आ गया बी सी अपॉन ए बी, तो बताइए व्हाट इज हियर, वी गेट साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी की क्या वैल्यू है आर और ए बी की क्या वैल्यू है यल, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया L sin theta, yes or no, yes. And now this value R put in equation number 3, okay. So what is we get here, so put R in equation 3, so what is we getting here, so what is we getting, omega square sin theta into g upon cos theta into r, what is l sin theta. तो क्या कैंसिल हो गया बच्चों, यहां पे ये sin theta कैंसिल हो गया, तो what is remaining,
ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू जी कॉस थीटा इंटू एल, वी गेटिंग दिस इक्वेशन. सो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट इज अंडर रूट जी एल कॉस थीटा, सपोज इक्वेशन नंबर 4. सो बॉयज एंड गर्ल, दिस ओमेगा इज नथिंग बट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस बॉब. ये जो ओमेगा है इसके एंगुलर वेलोसिटी है, जिसका क्या फार्मूला बन गया, जी अपॉन यल इंटू कॉस थीटा. अब ये बॉब हॉरिजेंटल सर्कल में घूम रहा है, राइट, द बॉब इज रिवॉल्विंग हॉरिजेंटल सर्कल. सो देर इज अ पीरियड इज देयर. पीरियड मीन्स व्हाट इज द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, नथिंग बट द पीरियड. सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर पीरियड, इफ यू कंसिडर फॉर पीरियड, पीरियड इन पेंडुलम टी. सो व्हाट इज द फार्मूला वी हैव, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, राइट. सो इफ यू पुट दिस वैल्यू इन पीरियड इक्वेशन, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा इज व्हाट इज जी अपॉन एल कॉस थीटा. सो व्हाट इज वी बॉयज हियर गेट, टी इज इक्वल टू टेल मी 2 पाई इन ब्रैकेट मीन्स इन अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पीरियड इन अ कोनिकल पेंडुलम. जब ये बॉब ऐसा घूमेगा एक रिवॉल्यूशन के लिए, उसका पीरियड कितना रहेगा स्टूडेंट्स, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी. अब पीरियड आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी, फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म बाय अ पार्टिकल नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी. सो हाउ टू डिफाइन फ्रीक्वेंसी, एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी. सो व्हाट इज द फार्मूला वी गेटिंग नाउ, एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी. सो 1 अपॉन पुट दिस वैल्यू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी. सो फाइनली व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इक्वेशन, वी गेटिंग द फ्रीक्वेंसी व्हाट इज 1 अपॉन 2 पाई इंटू अंडर रूट, व्हाट इज इन अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा. दिस इज द फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम्स. यस और नो? यस. सो वी ऑब्जर्व हियर बॉयज दिस पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. सो वी ऑब्जर्व द पीरियड इक्वेशंस, क्या कंक्लूजन रहेंगी अपनी. सो अवर कंक्लूजन इज कि पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड्स है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंज. जो लेंथ की स्ट्रिंज है उस पे डिपेंड है क्या पीरियड. पीरियड इज डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंज. देन पीरियड इज डिपेंड्स अपॉन दिस वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन. ओके. देन पीरियड इज डिपेंड अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये तीन चीजों पे डिपेंड है पीरियड और फ्रीक्वेंसी. बट व्हाट वी ऑब्जर्व द पीरियड इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ अ बॉब. यस और नो? यस. देन ऑल्सो द पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ दिस हॉरिजेंटल सर्कल्स. ओके. सो दीज आर द सम की पॉइंट्स ड्यूरिंग सॉल्विंग द डेरिवेशन ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम. फॉर विच कंडीशंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. यस और नो? यस. बट नाउ इफ यू सॉल्व दिस डेरिवेशन फॉर विच कंडीशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके, दिस इनर्शियल इज व्हाट इज रिप्लेस बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मीन्स नॉन इनर्शियल मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो ऑन द बॉब यहाँ पे एक और कौन सा फोर्स एक्ट हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल, और उसका वैल्यू क्या रहेगा, एम आर ओमेगा स्क्वेयर. सो व्हाट इज हियर इन रियल फोर्स, रियल फोर्स इज इक्वल टू द व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो क्या रहेगा, रियल फोर्स क्या है अपने पास, टी जीरो
साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या आएगा, एम आर ओमेगा स्क्वेयर। यस और नो? यस। ये कौन से सिचुएशन में अपने पास में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सिचुएशन में। यस और नो? यस। मतलब ये जो बॉब है ये क्या हो जाएगा, बैलेंस। बैलेंस मींस इन टर्म्स ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। ये एक सिंपल एक इक्वेशन अपन ने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट अ कोनिकल पेंडुलम्स। ओके, सो इफ यू लाइक माई वीडियोज, सो शेयर माई वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर टीचर्स, देन सब्सक्राइब माई चैनल बाय प्रेस द आइकॉन बटन्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।